मध्य प्रदेश में शासन के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का दावा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 140 से 170 सीटों के बीच चुनाव जीतेगी और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। एसीएन भारत से खास बातचीत में मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने कहा कि भाजपा की सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई है जिसका फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिसोदिया मौजूद हैं और उनका भरसक प्रयास रहता है कि वो भाजपा के लिए काम करें। हालांकि उन्होंने सिंधिया के समर्थक रहे हैं और सिंधिया जी के साथ उनकी निष्ठाएं हैं, लेकिन सिंधिया जी की निष्ठाओं के साथ साथ उन्होंने अपनी आपको भाजपा में आत्मसात कर लिया। आइए उनसे बात करते हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से तमाम सवालों को लेकर। महेंद्र सिंह जी, आने वाला समय विधानसभा चुनाव का है तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी भाजपा की? भाजपा इस बार क्लीन स्वीप के साथ जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की योजनाएं हो चाहे प्रदेश की योजना हो, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य और संकल्प है वो किसान कल्याण और अंत्योदय तक योजनाओं को पहुँचाना है। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हर गरीब के आंसू पहुँचने का प्रयास किया है और लाडली बहना जैसी योजनाएं मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में एक क्रांतिकारी योजना के रूप में देखी जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा संगठन, हमारी योजनाएँ, हमारे नेतृत्व सबको आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपको? मेरा स्वयं का आंकलन ये है कि करीब 140 से लेकर 170 सीटें करीब भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना लागू की है, उससे गृहणियों को तो लाभ मिल रहा है लेकिन बेरोजगार युवाओं को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार के किसी भी एक सदस्य को भी अगर लाभ मिलता है तो संपूर्ण परिवार को उसका लाभ प्राप्त होता है। अगर हमारे परिवार की एक महिला को अगर 1,000 रुपये या 1,250 रुपये मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा संपूर्ण परिवार को होता है और ऐसा नहीं है कि बेरोजगारों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। सीखो कमाओ योजना जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लागू की है कि जो बच्चे हमारे उनको अगर हम बेरोजगारी भत्ता देते हैं तो वो आइडियल हो जाएंगे और काम की तरफ रुझान कम जाएगा, इसलिए उन्होंने इसको रखा है कि सीखो और कमाओ, अपने आप को परिपक्व करो जिंदगी से लड़ने के लिए और उसके लिए सरकार उनके हक सुनेगी, उनके साथ खड़ी है। अच्छा, मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती घोटाला, महाकाल लोक घोटाला और अन्य कई घोटाले सामने आए हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब चुनाव की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, ऐसा कोई घोटाला मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है और जब UPA की सरकार थी केंद्र में तब आपने देखा होगा हर दिन अखबार भरे पड़े रहते थे घोटालों से और कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार में भी जबरदस्त घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। किसी के ऊपर आरोप लगाना और उसको प्रमाणित करना दोनों चीज़ों में बहुत फर्क होता है। अच्छा, आज सिंधिया जी भाजपा में आ गए हैं और उन्होंने भी भाजपा को आत्मसात कर लिया, उसी अनुरूप आपने भी भाजपा को आत्मसात कर लिया है, लेकिन सिंधिया समर्थक लोग पलायन करके पुनः कांग्रेस में जा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सिंधिया जी और उनके समर्थक मंत्रियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इससे वो त्रस्त होकर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। महाराज सिंधिया जी ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो किसी भी प्रदेश के लिए देश भर में सर्वाधिक लोग कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे, करीब 1 लाख के आसपास। उस 1 लाख लोगों के ज्वाइनिंग में 2-5 लोग अगर इधर उधर चले जाए वो भी स्वार्थ के कारण, कि जिनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में उनका नाम नहीं आ रहा है, उनका टिकट कट रहा है, तो लोग स्वार्थी जो होते हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और इसी तरह लोग जा रहे हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात कही है, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर भ्रष्टाचार किया जा रहा था मंत्रियों के द्वारा तो इतने वर्ष तक चुप क्यों थे? आज चुनाव के समय में ही आरोप लगाकर दूसरी पार्टी में चले जाना क्या ये न्यायसंगत है? अगर आपको कोई पीड़ा थी तो आप पहले निर्णय लेते, चुनाव में टिकट कट रहा है उसके डर से आप जो है दूसरी पार्टी में चले गए। ऐसे स्वार्थी तत्वों की भारतीय जनता पार्टी को
कोई आवश्यकता न थी और न रहेगी। जी, जो अभी 39 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दी है, उनमें कई जगह विवाद की स्थिति बन रही है, जिसमें अपने गुना जिले के चाचोड़ा विधानसभा है, जहां भाजपा की कद्दावर नेता रही ममता मीना ने विद्रोह शुरू कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पार्टी का निष्ठावान होगा वो हर परिस्थिति को स्वीकार करेगा, जो पार्टी के लिए उसका निष्ठा नहीं है वो नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, सर्वोच्च कमेटी ने जो निर्णय ले लिया उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, राजनीतिक क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि इस बार आपका भी उम्मीदवारी राधोगढ़ विधानसभा से महाराज सिंधिया और पार्टी का नेतृत्व कर सकता है, बमोरी में किसी और को उम्मीदवार बना सकता है। अगर आपको राधोगढ़ से टिकट की उम्मीदवारी की जाती है तो आप क्या सोचते हैं? जिस क्षेत्र की जनता ने मुझे 54,000 वोटों से जिताया, जिता के मंत्री बनाया, जिसके लिए मैंने तन मन धन से कार्य किया, उस विधानसभा को क्यों छोड़ूंगा? मेरे को नहीं लगता। और जहाँ तक रावगढ़ विधानसभा की बात है, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नौजवान तुर्क हैं जो जयवर्धन सिंह को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, बमोरी से आप विधायक भी हैं, बमोरी में क्या विकास कार्य हो, थोड़ा जानकारी दें। बमोरी के बारे में मैंने कई बार आप सबको बताया है मीडिया के माध्यम से कि बमोरी में जितनी भी घोषणाएं हमने चुनाव में की थी, जितने भी वायदे किए थे, संपूर्ण वायदों को हमने पूर्ण किया है। यहाँ तक कि कॉलेज जैसी संस्था भी हमने वहाँ स्वीकृत कराई, वॉल्टोलिया पॉलिटी बांध भी हमारा स्वीकृत हो गया। तो बमोरी में तो चौमुखी विकास हुआ है, और पिछले 3 वर्षों से पहले अगर हम देखें तो बमोरी की स्थिति आज बिल्कुल विपरीत है। और जब ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे, इसके बाद बमोरी आपको एक नया विधानसभा क्षेत्र दिखेगा कि हाँ, जिसमें विकास हुआ। आज जैस आदिवासी संगठन के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने का आरोप भी लगाया कि पंचायत मंत्री कहते हैं कि 22,500 करोड़ रुपए के जो काम कराए हैं वो कहीं दिखाई नहीं देते। वहीं उन्होंने केएल अग्रवाल जब मंत्री थे बमोरी से ही, तब उन्होंने कहा, दोनों की तुलना की है कि आपसे बेहतर कार्य केएल अग्रवाल ने किए। अगर जेएस वाले ये कहते हैं तो बड़े सौभाग्य की बात है कि उनको विकास दिख नहीं रहा है, कुछ दिनों बाद दिखने लगेगा। ये विरोधी पार्टी है जो कांग्रेस के साथ तालमेल करके चल रही है, आदिवासियों को बहकाने का काम कर रही है, आदिवासियों को शोषण करती है जात पात के नाम पर। और हमारा आदिवासी वर्ग, आपने देखा होगा कि पिछले कई चुनाव में जेएस मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है और 3-4 हज़ार वोट से ज़्यादा प्राप्त नहीं किए। पिछले बार भी पूरी ताकत के साथ में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, तब भी 54,000 से नहीं जीता। आज बमोरी विधानसभा का आदिवासी मुझे अपना परिवार मानता है, मुझ पर विश्वास रखता है, मुझ पर आस्था उनकी है, और मैं भी रात दिन उनके काम करता हूँ, इसलिए कोई कुछ भी पत्रकार वार्ता करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बमोरी के निवासियों के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, आप और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा बमोरी वासियों से कि हमेशा आपने मेरे ऊपर विश्वास अर्जित किया है, एक बार पढ़े अपना विश्वास अर्जित करिए। और निश्चित रूप से मैंने 3 वर्षों के अंदर जो कार्य किया है वो एक कीर्तिमान स्थापित किया है, और आने वाले समय में बमोरी को अगला पंचवर्षीय अगर मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है जनता का, तो निश्चित रूप से बमोरी की कार्यकल्प हम करके दिखाएंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, जिनका पूर्ण रूप से दावा है कि हम 140 से 170 सीटों के बीच चुनाव मध्य प्रदेश में जीतेंगे और भाजपा की पुनः सरकार बनाएंगे। वहीं बमोरी के विकास में उन्होंने कहा कि हमने अनगिनत विकास किए हैं जो आने वाले समय में दिखाई देंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग अवसरवादी लोग जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, वह चुनाव को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद चुनाव लड़ना है। एशियन भारत के लिए गुना से दीपक राठौर।